हाई एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गैस सोगैद फिर से हम एक नया गेम स्टार्ट करेंगे जो कि है ग्रैनी और आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि ये एक होर सीरीज है सो uh, so अभी यहाँ पे कुछ लिखा है लीव द हाउस हाँ भाई मेरे को लीव ही करना है बट मेरे को उसके लिए यहाँ पे uh, एक कार स्केप या डोर स्केप में से कोई करना होगा सो so अभी जल्दी से यहाँ पे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है जिससे मैं यहाँ से जा सकूँ So, yes, अभी ऊपरला मैंने रूम चेक कर लिया अब जाते हैं हम अपने दूसरे रूम की तरफ सो so, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या है नीचे तो कार बैटरी है बट भाई साहब ऐसा इतनी गंदे किस्मत किस इंसान की हो सकती है हाँ मेरी हो सकती है मुझे पता है बट मेरे को कुछ भी नहीं मिला एक सिर्फ सबसे पहले मेरे को कार बैटरी ही मिली है सो so, कार इसके सबसे बेस्ट है अब यहाँ से हटा के अब आगे चलते हैं सो so, यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि मुझे अभी तक उसका यूज़ करना नहीं पता मतलब कहाँ पता है बट मैं उसका यूज नहीं करूँगी और यहाँ पे है कुछ शॉर्टगन के पार्ट और मैंने आवाज़ कर है सो शायद ग्रैनी मेरे पीछे पीछे आती होगी एंड वे इज ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम आई एम वेटिंग फॉर यू पीछे से चिड़िया की चार चार सुनाई दे रही भाई नाम लिया सैतान हाजिर सैतानी सैतान नानी सैतान हाजिर और शायद अब ये जाएगी नीचे नीचे जाके क्या करेगी भाई वो नीचे नहीं हूँ मैं ऊपर हूँ शायद नीचे जा चुकी है ओके अभी हम जाते हैं अभी ये चेक करते हैं यहाँ पे क्या ओके यहाँ पे हमें एक वेपन की चाहिए जो कि मुझे खुद नहीं पता कहाँ पे है और इस ड्रोर में कुछ भी नहीं है और इस ड्रोर में है एक स्पार्क प्लग जो कि फिर से वही कार इसके में हेल्प करेगा ओ गॉड बुढ़िया आगे अंदर से जा 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 यार ग्रैनी तो मेरे पीछे पड़ गई हाथ धो के अः गई मेरे को वैसे शॉटगन उठानी थी अब मैंने फिर से बैटरी फेंक दी अब वो मेरे पीछे फिर से आएगी यार वैसे देखो इसकी आंखें देखो दो बटन है चार बाल है और हाथ में एक गंदा सा ही डंडा जो खून से आई थिंक रेड कलर का जो भी है ओके शॉर्ट गन मैंने उठा ली आई थिंक ग्रैनी दीदी यहाँ से जा चुकी है ग्रैनी दीदी नहीं है उम्र में मेरे से बड़ी है थोड़ा लिहाज कर उसका ओके okay, अभी वापस कहाँ जा रही ऊपर अभी मेरे को ये रूम देखना है यहाँ पे अ, मैं आई थी नहीं आई थी शायद मैंने ओके यहाँ पे खून से भरा एक पंचिंग बैग जो कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या करना है सो so, अभी चलते हैं हम अपने मतलब नीचे जाते हैं मैंने आवाज कर दी वो जो दीदी क्या था वो एक अरे पता नहीं भाई क्या था जो भी कुछ था वो से अब वो आएगी। और शॉर्ट गन भी मैंने यहाँ पे डाल दी इसकी भी आवाज कर दी मैंने अब मैं इस दरवाजे को नीचे गिरूंगी गिराऊंगी सॉरी अब इसकी भी आवाज होगी अब इधर से आएगी मेरे को पता था ग्रैनी इधर से ही आएगी तू ते तेरी मेरे को हर एक छोटी चुछ छोटी हरकतों का ना पता आता है कि तू कहाँ से आएगी सो so, ओके okay, बाय हो oh, इसके हेयर स्टाइल देखा तुमने खैर यहाँ पे गैसुलिन कैन भी है और एक पेंटिंग का कुछ पीस वगैरह भी है और यहाँ पर कुछ है सो अब इसको यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे आवाज हो चुकी है और सामने इसके ऊपर टेबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है आ, ये क्या लिखा है यहाँ पे मेरा इनविटेशन कार्ड लिखा है मेरे मरण मृत्यु सबको जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ है सो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ क्योंकि वैसे तो ग्रहणी यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ग्रहणी झुक नहीं सकती बूढ़ी औरत है ना तो थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है उसको अब मैं जाऊंगी ऊपर ऊपर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा मुझे ओके यहाँ पे एक मेलन भी है वोटर मेलन है वैसे तो ये अब इसको उठा के मेरे को लेके जाना है बाहर अब ओके लेट्स गो यहाँ पे अब इसको काटेंगे वन टू थ्री रख दो और अब इसको हमने काट दिया है और यहाँ से हमें मिली है प्ले हाउस की प्ले हाउस की एक ये जो सामने एक घर होता है इसके जो इसका लोक है वो खुल गया और ग्रैनी अब वापस आएगी देखने के लिए मेरे घर में कौन घुस गया यू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीख ओके आई नहीं ओके okay, मैं नाम लिया शैतान आजिर अपना जो इसने ट्रैप भी उठा लिया है शायद ये कहीं और लगाया गया अभी देख रहे हैं कि किसने दरवाजा खोल दिया भाई यार, अंधी से तेरे को पता नहीं चल रहा तेरे घर में मैं घुस रही हूँ बट खैर मुझे इससे बचना होगा बहुत खतरनाक होती है अगर पकड़ ली ना ऐसा डंडा घुमा के मारेगी सिर पर ओके चलो बाय ट्रैप शायद उधर फेंक दिया है अभी देख रही है कि कहाँ डालूँ खाने अभी मेरे को जाना है इसके अंदर और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है क्योंकि यहाँ पे दरवाजे खोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो इसके जो मिसिंग पार्ट है वो मेरे पास है नहीं और जो कि कोविल है कोविल शायद सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर के या थर्ड फ्लोर पे कहीं है, इधर वहाँ पे लगे हैं सो अभी मैं वापस नीचे आई हूँ यहाँ पे कुछ एक ये प्लायर है जो कि मुझे नहीं पता ये हैमर से या कटिंग हैमर से खुलेगा शायद ओके okay, अभी नीचे जाते हैं नीचे जाके अभी देखते हैं कि वहाँ पे हमें जो गाड़ी वगैरह है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ओके इसमें कुछ है नहीं और ये सामने वाला दरवाज़ा अगर वैसे मैं सोची कि एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं ग्रैनी को ट्रोल करूँ कैसी रहेगी अच्छी रहेगी वैसे शॉर्ट गन की यहाँ पे बुलेट्स वगैरह बट मेरे पास शॉर्ट गन है नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और यहाँ पर मैं इंजन मेरे को रखना है इंजन का पार्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है सो ओ इसके अंदर बैठने का ऑप्शन है मैं बैठ जाऊँ स्टार्ट कर दूँ नहीं मैं स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि स्टार्ट करने के लिए मेरे पास हर एक पार्ट होना चाहिए जो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं और स्पार्क प्लग मतलब स्पार्क प्लग क्या बोल रही हो यहाँ पे एक होता है कुछ चीज़ें बट मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला शायद ग्रैनी मैंने नीचे आवाज़ की थी तो वो उस तरफ से जाएगी अभी मेरे को देखना है कि वो कहाँ से आ रही है वैसे तुम डोर स्केप भी कर सकते हो बट डोर स्केप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे पास सारा सामान नहीं है अभी ये वाली रोड चेक करते हैं अभी क्या है दोनों खाली हैं मेरी किस्मत की तरह बट कोई नहीं अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ मिला है कुछ ओके इंजन पार्ट मिला है जो कि कार स्केप में सबसे बेस्ट होता है और अभी डे वन ही है हमारा यहाँ पे हम बैटरी वैटरी रखते हैं ओके सो अच्छी भाई यार कार की चाहिए और आवाज़ भी कर दी मैंने अब ग्रैंड मेरे पीछे पीछे आएगी दरवाजा बंद कर देती हूँ अब देखूंगी यहाँ से क्योंकि यहाँ पे ग्रहणी नहीं आ सकती इसको मतलब दिखाई नहीं देता इतना ज़्यादा उम्र हो चुकी है ना ना तो झुक सकती ना इसको कुछ ज़्यादा दिखाई दे सकता सो अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ और क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि ग्रहणी को यहाँ पे मैं बुला लूँ और पीछे से मैं दरवाजा बंद कर दूँ क्योंकि मैंने आवाज़ कर दी है और मैं सोच रही हूँ कि अभी यहाँ पे छुप जाऊँ नीचे ओके ग्रैनी वेयर आर यू आई एम वेटिंग फॉर यू ओके यहाँ पे आ चुकी है एंड अब सीधा ये डायरेक्ट दरवाजे के उस तरफ जाएगी क्योंकि मैंने आवाज़ बैटरी बैटरी उधर ही गिराई थी बट मुझे डर लग रहा है यार क्या पता ये एकदम से आ जाए और मुझे मार दे सो भाई 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 नहीं 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 देवन हमारा यहीं पे ख़त्म होते हुए अब डेट टू की शुरुआत है शुरुआत है और अब हम यहाँ पे जाते हैं इस रूम में ये रूम मैंने चेक नहीं किया था आई थिंक क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए यार uh, यहाँ पे है कटिंग प्लायर कटिंग प्लायर का क्या करूँगी मैं uh, खैर वापिस जाती हूँ मैं यहाँ पे मेरे को कुछ मिला नहीं के okay. आमा oh, भाग लो भाग लो भाग लो यारे भाग लो ये पीछे से आगे ग्रहण आगे सो so, यहाँ से अभी जल्दी जल्दी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और मुझे नहीं पता ग्रैनी की स्पीड क्या है और यहाँ से झुक जा अंदर जा अंदर जाए यार मरेगी तू भी हो वाह यार मुझे नहीं पता था ग्रैनी इतनी स्पीड से भागती है और डंडा लेके यार मेरे को मारेगी ओके फिर से मैं उधर से मैंने इसको प्रैंक किया है ओके अब यहाँ से जाऊँगी यहाँ पे मैंने आवाज़ कर दी है तो मेरे को यहाँ पे जल्दी से छुपना पड़ेगा ये जो डोर है डोर के इस तरफ यहाँ पे एक, एक बैल लगी है अगर तुम उसके पास से जाओगे तुम्हें आवाज़ आएगी इसको फिर से दिखाई देगी मैं मार दिहाँ ही बड़ा जल्दी मेरा डे सेकंड ख़त्म हुआ अब डे थ्री है और मेरे को ऊपर जाना है ऊपर जाके यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है सो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी हैं मैं ढूँढना पड़ेगा कोकवेल है और पता नहीं क्या क्या है और यहाँ पे छुपने की जगह है फिर मेरे को उसके ऊपर जाना पड़ेगा शोट गन ढूँढनी पड़ेगी डे थ्री है मेरा बहुत गंदा सिस्टम हो जाएगा मैंने फिर से आवाज़ कर दी अब यहाँ पर छुपना पड़ेगा क्योंकि फिर से ग्रैनी आ चुकी है अपना डंडा घुमाते हुए बेटा जी मैं इधर हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा बट मैं E daria अपना जो ट्रैप वगैरह उसने बिछा दिया अब मेरे को इसे पार करके नीचे जाना पड़ेगा बट माय गॉड भाई तू तो बड़ी बकवास निकली यार तो दो ट्रैप कहाँ से डाल दिए अब कैसे निकल यार फिर से आगे मेरी इतनी गंदी किस्मत क्यों है डे थ्री भी शायद समाप्त हो चुका है अब आई थिंक है ये हमारा डे फोर्थ सो मैं नीचे आई हूँ नीचे आके मैं सोची कि क्यों ना अब देखूँ यहाँ पर मुझे कोविल मिला है जो कि प्ले हाउस में लगा सकती हूँ और यहाँ पर शायद मीट का टुकड़ा क्योंकि अभी काम नहीं आएगा मेरे ऊपर देखती हूँ ऊपर क्या ऊपर भी कुछ नहीं है और यहाँ पे देखना पड़ेगा बैठ कर देखना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी को शायद मेरी आवाज़ें आ चुकी हैं सो यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई डर भी इतना ज़्यादा लग रहा है कि कहीं पीछे से अब दो ची भाई नाम लिया मैंने मुझे नहीं पता था ये अब सामने ही आने वाली है सो दिस इज़ द लास्ट डे डे फिफ्थ और यहाँ पे मैं छुप चुकी हूँ ताकि ये मेरे को ना देखे बट डे दे फिफ्थ है डे फिफ्थ में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी सो मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा ट्रोल वगैरह करूँ मैंने बेड के नीचे रुक गई मैं छिप गई मैं और अब इसको दिखाई नहीं देगा सो so, अब मैं सोचा कि क्यों ना अब डे फिफ्थ है थोड़ा सा वापस इसके सामने खड़ी हो जाएंगे एंड दादी जी हमें पकड़ने ओ भाई साहब <laughs> कितना गंदा लुक दिया था कितना स्कैरी सा था सो so, अब इसको डे फाइव मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका अब ये मेरे को दिखा रही तू इधर आई थी ना बेटा तू इधर आई थी अब तेरे को देख मैं कैसी पुनिशमेंट दूंगी अब मैं इसको देख रही हूँ ये मुझे नीचे देख दिखाने लग रही है क्या दिखाने लग रही है भाई थप्पड़ मत मारना मैं बता रही हूँ मार दिया भाई Okay, bye.